हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समल और आज जो वीडियो है ये बनेगा आपका आपका जो DVR है आप यूज कर रहे हैं कैमरा को, आप मोबाइल में कैसे ये पिक्चर को देख सकते हैं ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आप मोबाइल में कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, आपका जो फ़ोन है उसमें आपको चलना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको मिलेगा एक ये आप देखिए GCMOB। मैं अभी जो बता रहा हूँ ये आपका टीपी लिंक का बता रहा हूँ। टीपी लिंक को कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाया हूँ कि कैमरा को कैसे सेटअप करना है, उसके बाद मैं वीडियो ये बना रहा हूँ आपका जो फ़ोन में कैसे चलेगा, आपका जो लाइव चलेगा आपका कैमरा का, वो इस बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, आप भी PC में इंस्टॉल कर लीजिए। 59 MB का है ये, फटाक से हो जाएगा अभी इंस्टॉल। तो चलते हैं अभी, देखिए सिस्टम पे आते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपका यहाँ कैमरा ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलना है आपको मेन मेनू में। आपको यहाँ पर एडमिन और आपका जो पासवर्ड यहाँ पर दिए थे सेटअप के टाइम, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दे देना है। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर पासवर्ड दे दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं पासवर्ड देकर लॉग इन करता हूँ इसको। दोस्तों अभी देखिए यहाँ पासवर्ड दे चुका हूँ। यहाँ पर आपका इस साइड में आपको नंबर आएगा, नंबर इस साइड में, यहाँ पर आपका लेटर, यहाँ पर करना है आपको एंटर, यहाँ पर ओके। तो आपको ऐसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद, ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद आपको आना है यहाँ पर नेटवर्क में, नेटवर्क में क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको आना है कनेक्शन में, कनेक्शन। तो यहाँ पर पहले आना है आपको TCP ID पर, TCP IP पर, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो लिखा हो ना DHCP, ये मेरा ऑन है अभी, आपका ऐसे ऑन नहीं होगा, आपका ऑन नहीं होगा। आप यहाँ पर करना है मॉडिफाई, यहाँ पर मॉडिफाई करके यहाँ पर इसको ऑन करना है। यहाँ पर देखिए आपका पहले ऑन नहीं होगा, आप मॉडिफाई करके यहाँ पर इसको, ये ऐसे आपका ऑफ होगा, इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर करना है आपको ओके, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको आप ऑफ होगा ना, इसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद अप्लाई कर लेना है, समझ गए ना क्या क्या बोला मैं। पहले आना है यहाँ पर TCP IP पर और यहाँ पर मॉडिफाई में जाकर इसको पहले ऑन करना है। यहाँ पर नीचे करना है ओके, उसके बाद इसको ऑन करके यहाँ पर करना है आपको अप्लाई, नीचे अप्लाई। अप्लाई हो जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है इंस्टा ऑन क्लाउड पर, इंस्टा ऑन क्लाउड पर आना है। ये आपका ऑफलाइन होगा, इसको यहाँ पर कर लीजिए ऑन, इनेबल। तो कुछ टाइम अभी वेट करते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑनलाइन। यहाँ पर नीचे कर लीजिए अप्लाई, बैक कर लेते हैं, फिर से चलते हैं यहाँ पर कनेक्शन में। यहाँ पर फिर से आते हैं इंस्टा ऑन क्लाउड पर, देखिए ये आपका आ गया, ऑनलाइन आ चुका है। अभी क्या करना है, अभी काम बचा आपका, यहाँ पर GC आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया, यहाँ पर ऐसे लिखेगा आपका CP+, ऐसे लिखेगा। तो इसके यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, अलाउ करना है कैमरा में सिलेक्ट, और यहाँ पर करना है नेक्स्ट। ओके, और यहाँ जो कर्नर में है ना, कर्नर में ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमोट डिवाइस, नहीं सॉरी, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर जो है कर्नर में यहाँ पर एक वीडियो का सिंबल दिया हुआ है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके, ठीक है, यहाँ पर ओके कर लीजिए। और हमको यहाँ पर करना है वेयर डिवाइस, वेयर बीच वाला को वेयर डिवाइस क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर वेयर डिवाइस, ठीक है, वेयर डिवाइस को आने के बाद यहाँ पर नीचे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट किया नीचे,
यहाँ पर करना है इंस्टा ऑन, आ गए इंस्टा ऑन में आ गए आप। यहाँ पर जो लिखा ना SN लिखा हुआ है SN, साइट में आपको बारकोड स्कैन के लिए दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए यूजिंग दिस ऐप, और एक बार क्लिक कर लीजिए, देखिए आ गया स्कैनर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए इंस्टा ऑन क्लाउड ID, इसको क्या करना है आपको यहाँ से सर्च कर लीजिए, एक नंबर आपको यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर नंबर भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो नंबर भी आ जाएगा। ऊपर जो दिया हुआ है नेम आप यहाँ पर लिख लीजिए, ऑफिस जो भी आपका नाम देना चाहते हैं यहाँ पर दे दीजिए, और ऊपर लिखा हुआ है एडमिन ऑफिस दे दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है एडमिन, नीचे आपको पासवर्ड, जो पासवर्ड आप सिस्टम पर लॉगिन किए थे सेम ही पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा पासवर्ड सक्सेसफुल अभी दे चुका हूँ मैं, और अभी करते हैं स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। प्लीज वर्ड आ गया, अभी देखिए एडमिन का ID और पासवर्ड जरूर देना है वहाँ पर स्कैन करके। देखिए अभी हमारा जो चारों कैमरा लगा था, देखिए चारों के चारों कैमरा अभी यहाँ पर आ चुका है, ये पूरा लाइव अब मैं आपको दिखाया, आप इस तरह ही आपका ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो अभी ये हो जाने के बाद थोड़ा आते हैं हम हार्डवेयर में, हार्डवेयर साइड में आते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका मॉनिटर, मॉनिटर में लगा हुआ है, आपको ऐसे एक लेना पड़ेगा। देखिए मैं वही सिटी प्लस का लिया हूँ 4G राउटर जिसमें लगा हुआ है सिम, उसके पीछे RJ45 केबुल से, ये देखिए ये आपका है पावर केबुल, मैं यूज किया हूँ ये पावर केबुल, ये आपका आ गया RJ45 केबुल आके यहाँ पर गया है DVR के पीछे। देखिए आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा DVR के पीछे, एक RJ45 केबुल आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, और ये जो है आपका राउटर जो CP प्लस का, ये राउटर में नीचे लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप वहाँ से इसको ये राउटर को परचेज कर सकते हैं। देखिए जिसमें आपको लगेगा एक सिम लगेगा, कोई भी सिम आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें अभी लगा हुआ है एयरटेल का सिम, आप BSNL या फिर जियो कोई से सिम, ये 4G राउटर है, आप कोई भी सिम इसमें आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4G राउटर, ठीक है, ये कनेक्शन आपको यहाँ पर पीछे लगेगा DVR में, इतना ही बात है और कुछ नहीं है ज़्यादा आपको करने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू दोस्तों। और एक चीज़ थोड़ा देखिए, यहाँ पर जब आप फिर से इसको ऑफ करके ऑन करेंगे, देखिए मैं अभी फिर से इसको ऑफ करके ऑन किया, अभी आपको पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, चलना है पूरा यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक कर लीजिए, जो आप हम जो सेव किए थे ऑफिस के नाम पर वही ऑफिस को सिलेक्ट करना है, और जितना आप कैमरा को देखना चाहते हैं चार कैमरा को मैं ऐड कर लिया, और अभी यहाँ पर लाइव, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।